किए जाए जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कमी कि नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। कि नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना करता है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकिया सिंधों में गोता खोर लगाता है, डुबकिया सिंधों में गोताखोर लगाता है। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। अरे मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह सफलता एक चुनौती है, जो लोग हार गए उनके लिए यह सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना मिले मंजिल, सुख चैन नींद भोग को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी न पीछे भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। तो जिंदगी में कौन हो हार नया ठाने रार यानी रास्ता। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना हो, हर एक परिस्थिति में अपन एक नया रास्ता चुनना हो। आप तोहनी जिस उम्र में है, तोहनी विधि के विधान के टाइल के नया इतिहास लिख सकते हो। क्योंकि आज क्योंकि नया पीढ़ी थोड़ा सा गीत संगीत के फॉलो करो हो। अग्नि गीत है तो मेरी किस्मत में तुम नहीं साया। एक लाइन सुन ले, जगह हाथ ना है ना, वो भी कुछ ना कुछ बन जाए। तो किस्मत और हाथ के लकीर में ना को, किस्मत और जीत में हो, किस्मत और संघर्ष में हो। ये गाना नहीं गई है कि मेरी किस्मत में सभी की हाथ के लकीर में किस्मत। एक कहानी सुनाई हो, नेपालियन बोनापार्ट के नाम सुन ले हा। नेपालियन बोनापार्ट फ्रांस के सेनापति हुआ करते थे। उनकी उम्र 10-12 साल के आसपास थी। जैसा हमने के मैया सब कभी झाड़ फूक कर ले जाओ लेगा तुम ना कभी कभी लेगा ना मौसी झाड़ फूक करे की तो इनके झाड़ फूक की बोला हाथवा देखो ले ओधा पे ओझा पे दिया हाथवा ना जाए। तो नेपोलियन बोनापार्ट के मैया ओकरा एगो ओझा के ये लेने और हमने ओकरा बोले हमने ज्योतिष यानी जे हाथ देखे ज्योतिष बुझा है ना हाँ जे भविष्य बतवे। तो भविष्य कैसे बतवे सरकारी नौकरी हथवा देख के बोलते मैया के कहल है की तोर जो बच्चा हो एक जिंदगी बड़ी खराब बोल रहे कैसे कैसे बोल रही की हमारे सुबह की जिंदगी खराब है बोल रही हम नहीं बोल रही हो ये विधाता में लिख ले हो वो तो तकदीर लिख दे हो तो किस्मत पर हथवा में लिख दे हो। तो नेपोलियन बोनापार्ट की कर लाए एक छुरा निकाल लाए वो छुरा के हथवा में रख लाए एक बार नीचे से एक बार ऊपर से हाथ के तीनों लकड़िया के काट के और की कहले बताओ कि ये ज्योतिष महाराज और बताइए मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बोला जिस नौजवान में ऐसा जिद है वो विधि के विधान को टाल सकता है। हाथ के लकीर बोल भी तबे ना कि इनको जिंदगी खराब हो चाहो हाथ मगर लकीरें नहीं काट के फेंक दो। 11 साल के लड़का में ये कोई फिल्म की घटना नहीं है, ये नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी है। 12 साल के लड़के ने हाथ की लकीरों को काट के फेंक दिया। तो सही कहते हैं मैं बोल ये मेरी किस्मत में तुम नहीं सही ठीक हो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, बढ़िया से पढ़िया बढ़िया से लिखिया। मैया गुप्पा बड़ी मेहनत से पढ़ा हुआ हो, एक एक पैसा जोड़ के जमा करके हजारी बार पटवा हो, पढ़वा कुछ बढ़िया कुछ काबिल बढ़िया कुछ योग्य बढ़िया और बाद ब्याह शादी करिया परिवार चलिया प्यार करिया के मना कर लिया। बिना प्रेम के दुनिया है मनोदा कतरो मतलब नेता लगे प्रेम कर ले ब्याह कर ले ना के रोक ले की पहले जिंदगी बनवा पहले पढ़ा लिखा और यही गोल्डन एज में है। क्योंकि हम इतने डायरेक्ट बात कर रहे हैं नौजवान सब के अगर नौजवान सब भटक जाते ना भटका है ना एक डायरेक्ट बात करा कुछ भी करा
ध्यान लक्ष्य होना चाहे कि हमारा कुछ बनना है। बाकी बनवा बड़ी सुना कि रहा है दिल या धनी रानी बहन के दिल के साइज है वो है 12 सेंटीमीटर और हमारा साइज 170 सेंटीमीटर। कैसे रहते बताओ। हमारे कहने का मतलब है प्रेम का कोई शत्रु नहीं कि आज की युवा पीढ़ी में देखा जाता है और हमको लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि जो चीज सच्चाई है उसको हम सामने रखते हैं। प्रेम का कोई दुश्मन नहीं है। मनोज दा ने प्रेम किया है, राजेश रतन सर ने प्रेम किया है, रविशंकर दा ने प्रेम किया है, संतोष दा ने प्रेम किया है। प्रेम मतलब अर्धांगिनी, प्रेम फलक मां से इसके बाद जो जीवन में महत्वपूर्ण प्रेम होता है अर्धांगिनी। इसलिए आपका भी जो समय है अर्धांगिनी चयन करने का नहीं, ड्रीम गर्ल के चयन करने का समय नहीं है। ये श्रम है आपके ड्रीम को पूरा करने का। आपको उम्र क्या है? 16 साल, 18 साल, 21 साल, 22 साल। आप अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। ड्रीम जब पूरा होगा माँ बाप ड्रीम गर्ल को खोज के ला देंगे या ड्रीम बॉय को ला देंगे। क्योंकि हम इसलिए खुल के बात कर रहे हैं क्योंकि इन सब विषय में बात करना चाहिए। हम लोग लज्जा करते हैं। हम अपने भाषा के स्तर को बढ़िया से रख के हम इन विषय पे चर्चा करनी चाहिए। हम चर्चा नहीं कर पाते हैं, हम लाज करते हैं, श्रम करते हैं। इसीलिए माता पिता में गैप बन जाता है बच्चों के साथ, बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है क्योंकि वो बात नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज हम बात करना चाहते हैं नौजवानों से। यह खेल का मैदान है, यहाँ सभी 18, 20, 21 साल के युवा लोग हैं, नौजवान लोग हैं। हम यही कहेंगे पहले ये पढ़ाई लिखाई उम्र है, अपने आप को योग्य बनाइए। योग्य बनाना इसलिए होगा क्योंकि आपके माता पिता ने बहुत अरमान, बहुत ख्वाब देखा, एक सपने को सजाया है आंखों में कि आप उनके सपनों को पूरा करेंगे, आप उनके सपनों को साकार करेंगे। इसलिए